अपने पैर के नीचे, कान के नीचे या ऐसे हाथ ऊपर करके सोते हैं, वो कितने हाथ उठाए जो कान के नीचे हाथ लगा के सोते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे हाथ ऊपर करके सोते हैं या फिर इस तरीके से सोते हैं, मतलब ये सर के नीचे हाथ को या सर के ऊपर ऐसे हाथ को या इस तरीके से जो भी सोते हैं वो सबसे ज्यादा गलत हो क्या है। मैं कोई भी चीज आपको बताऊंगा तो उसका लॉजिक रहेगा, वो इसलिए गलत है क्योंकि ये जो अपनी नस है हथेली के पीछे, ये गर्दन से निकलती है। जब आप एमआरआई कराते हैं आपके हाथ में दर्द है तो आपकी एमआरआई गर्दन में होती है, आपकी कोहनी में दर्द है तो एमआरआई गर्दन में होती है, क्योंकि C5C6 ये नस यहाँ पर आती है। और जब आप इस तरीके से कान के नीचे हाथ लगा के सोते हैं तो ये नस दबती है, ये बाहर है, बाकी सब नसें फैट के अंदर है, अगर दबती है जितने भी जितनी एरिया के जो प्रॉब्लम है कंधे से लेके यहाँ तक कि हार्ट की प्रॉब्लम भी इसी कारण से पैदा होते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जिंदगी भर अपन सोच होके इस एरिया को पूरा बीट कर लेते हैं और पूरी सप्लाई ब्लड की जो है पूरे शरीर में एक जैसे जाती है, तो जब इधर की सप्लाई रुकती है तो शरीर की सप्लाई ऑटोमेटिक धीरे धीरे कमजोर होती है। ये कोई एक दो दिन में नहीं होता है, जैसे लोहा फटता है उसी तरीके से धीरे धीरे होता है। इसीलिए जब आप हाथ ऐसे ऊपर करके सोते हैं, भगवान ने अपने को एक हार्ट दिया है जो एक पंप है, जैसे अपन ने कोई मकान बनाया है उसमें पंप खरीदे हैं, पंप की क्षमता होती है कि मैं 3 मंजिल का मकान बना रहा हूँ, दुकान में जाकर कोई कोई 3 मंजिल के हिसाब से पंप। अब आप उसके बाद एक और मंजिल बढ़ाते हो, मतलब कि इस तरीके से हाथ को ऊपर करके सोते हो, तो ये पंप भी होता है, इसको आप बोलते हो कि 4 मंजिल तक चढ़ाओ, उसी पंप को आप 4 मंजिल तक चढ़ाते हो, तो इसी कारण से इसका वीकनेस होता है। इसीलिए आपको हमेशा अब सोने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखिए, पहले गलती कर रहे थे उसको भूल जाइए। आपको बाएं कदम सोना है, लेफ्ट या फिर हाथ या फिर सीधा, जो लोग उल्टा सोते हैं और राइट कवर सोते हैं उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि क्या गड़बड़ होता है। जब अपन बाएं कवर सोते हैं तो अपने हार्ट जो सेंटर में है उसका फ्लो हमेशा बाई तरफ है, आपने कभी सुने होंगे कि हार्ट बाई तरफ फ्लो करता है लेफ्ट की तरफ। जब आप बाई कवर सोते हैं तो हार्ट को नीचे पंप करना पड़ता है, मतलब हार्ट की पंपिंग जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ नीचे होती है, यानी हार्ट को प्रेशर नहीं पड़ता। और जब आप उसी तरीके से राइट कवर सो जाते हैं इस तरफ तो हार्ट को ऊपर पंप करना पड़ता है। एक अगर पंप है उसको नीचे पंप करना ज्यादा इजी है कि ऊपर पंप करना, नीचे पंप करना अगर इजी है तो अपने हार्ट को हमेशा उसी तरफ रखना है। और दूसरा लॉजिक है अपना स्टमक जो गेट है, ये सब साइंटिफिक रीजन से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई आप सोचेंगे कि कहीं ऐसे बोल दिए तो आप क्यों अपनाएंगे, इसका रीजन हर चीज का रीजन बताऊंगा मैं, साइंटिफिक रीजन उसको आप खुद ही गौर से समझ सकते हैं और ध्यान से इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये स्टमक जो है उसका बड़ा पार्ट लेफ्ट में होता है बाई तरफ, जब अपन खाना खाते हैं उसके बाद करके आराम करते हैं या फिर एक घंटे बाद सोते हैं, आजकल इतनी व्यस्त दिनचर्या हो गई है कि रात में खाना पड़ता है और फिर सो जाना पड़ता है एक रात के काम करने में, तो ये बाई तरफ जब आप सोते हो खाना बाई तरफ रुकता रहता है, उसको दाई तरफ जाता रहता है बाहर, छोटी आँख जो है राइट की तरफ है, पेट के पास छोटी आँख जहाँ खाना आगे बढ़ता है वो राइट की तरफ है। अगर आप बाई कमर सोते हैं तो अपनी नॉर्मल प्रक्रिया से स्टमक जो है जब पूरा डाइजेशन हो जाता है उसका मिक्सिंग हो जाता है एसिड में, तब वो राइट के ऊपर अगर बाई कमर सोते हैं तो राइट में फेंकता है, लेकिन अगर आप राइट कमर सो जाते हो तो खाना डाइजेशन होने से पहले जिस तरफ जाने में फैलता है, इसीलिए एसिडिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि डाइजेशन खराब होता है, इसलिए बाई तरफ सोना इम्पोर्टेंट है। स्त्री जो क्लियर होता है वो भी लेफ्ट में होता है, और ये अपने प्राचीन लोगों ने ये तो अभी साइंटिफिक थ्योरी है लेकिन प्राचीन इंडियन थेरेपी है उसमें
में बोलते हैं कि आप कुछ भी अपना सकते हो, कुछ भी टेस्ट कर सकते हो। जब आप बाई कवर्स होंगे तो 5-10 मिनट बाद राइट नाक से खारिज करेगी। हर किसी की यूनिवर्सल नियम है, इसको मतलब कोई भी नकार नहीं सकता कि मैंने बोला आपने टेस्ट किया लेकिन गड़बड़ा है। जब बाई कवर्स होते हो 5-10 मिनट बाद जिस तरीके से ऐसे नासिका चेक करोगे, ऐसे आवाज करोगे, तो राइट नाक से खारिज करेगी। बोलते हैं ये साइंटिफिक थ्योरी है, चाहे इंडियन थ्योरी हो, दोनों का मतलब वही है। सूर्य पर जब चलता है तो शरीर को हीट मिल के डाइजेशन अच्छा होता है। उसी तरीके से आप जब राइट कन्वर्ट हो जाते हो तो 10-15 मिनट बाद आप चेक कर सकते हो। 10-15 मिनट लगता है थोड़ा बदलने में, 10-15 मिनट बाद ही चेक करना है, तुरंत नहीं। तब कितनी बार भी आप चेक करोगे, अगर इस कन्वर्ट हो गया आप 50 बार भी चेक करोगे तो यही करते रहेंगे। मतलब जब राइट कन्वर्ट होती है तो लेफ्ट नाक के साथ लेते हैं, वो चल स्वर रहता है। तो जब चल स्वर अपने को चलाना है वो उपास तपस्या के समय अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी की हो गई उस समय वो कन्वर्ट होना है। जब एसिडिटी बढ़ गई हो, अपने को ऐसा लग रहा है बहुत खालीपन लग रहा है, तब राइट कन्वर्ट होना है। तपस्या और उनके बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। राइट कन्वर्ट होने से जो एसिड है वो छोटी आंख की तरफ जाता है और धीरे धीरे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर किडनी से निकल जाता है। और जब भी एसिडिटी लेफ्ट या सीधा होना है और जो संभव नहीं है ऑटोमेटिक बॉडी चले जाती है। लेकिन मैंने इसलिए बोला जैसे आप नींद में रहोगे कभी आपका स्वर चेंज हो जाता है, उधर हो जाता है, लेकिन जैसे ही आता है आपको फिर इधर हो जाता है। वो जब शरीर उधर हो गया लेकिन शुरुआत आप ऐसे नहीं करेंगे, शुरुआत से ही राइट कर पड़े उल्टा नहीं होना है। उल्टा होने से नाभि दबेगी तो यहाँ के ऑर्गन की सप्लाई वीक होगी। जितनी भी सप्लाई पेट से सब शरीर आप कोई चीज को अगर दबाओगे तो सब नसों का प्रेशर फुटफटा हो जाएगा, गोलाई जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तो कहाँ सप्लाई मिल पाएगी। तो आप जो बता रहे हो वो भी सही प्रश्न है, लेकिन वो ऑटोमेटिक आप खुद करोगे जब आपको आभास रहेगा जब, और जब नींद में आप कभी इधर हो भी जाओगे, लेकिन शुरुआत वैसे नहीं करेंगे। वो आपकी क्षमता के हिसाब से अपने आप, जब आप नहीं रख पाओगे तो मैं कितना भी बोलूंगा सब भी नहीं रखोगे, लेकिन कोशिश करोगे उतना रखोगे। जब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं रख पा रहा तो ऑटोमेटिक थोड़ी देर नहीं रख पाओगे। मतलब ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ कि शुरुआत करनी है वैसी, बाकी अगर भूल से कुछ हो जाए तो 50% जो आप सही तरह के विचार जाना चाहेंगे। पेट की बल अभी बताया कि नाभि दबेगी, और जब पेट की बल सोचते हो तो अच्छा हाथ हो जाता है, तो फिर हार्ट को इतना पंप करना पड़ता है पूरा टाइट हो जाता है। एरिया टाइट हुआ मतलब ब्रेन से फंक्शन वीक हो गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला सही बॉडी का कनेक्शन नहीं बन पाता है, ये क्या क्या है इस साइड की कितनी तरीके की नसें हैं, किस ब्रेक से कंट्रोल लेफ्ट की जो भी नसें हैं पूरा शरीर राइट ब्रेक से कंट्रोल होता है और राइट ब्रेक का पूरा शरीर लेफ्ट ब्रेक से कंट्रोल होता है। तो इसका आप ध्यान रखोगे जब किसी को पैरालिसिस अटैक आता है तो आप ब्रेन की एमआरआई कराते हो, देखते हो कि जब लेफ्ट ये तो यूनिवर्सल नियम मतलब वो एमआरआई में बाद में आप समझते हो, अभी मैं आपको पहले से समझा दे रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है इसको हमेशा इस तरीके से हल्का सा, और इसका बहुत अच्छा तरीका है।